पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया था। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस मुक्त भारत से लेकर जवाहरलाल नेहरू के बहाने कांग्रेस पर जमकर वार किया था, जिसे लेकर अब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने कार्टून के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए भाषण पर एक कार्टून बनाया है, जिसमें महात्मा गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्टून में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दिखाई दे रहे हैं, जो गांधी जी के पीछे बैठे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण में इन तीनों नेताओं का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अन्याय किया गया। पीएम के इस बयान के जवाब में तैयार किए गए कार्टून में महात्मा गांधी पीएम मोदी को यह समझाते नजर आ रहे हैं कि उनके कहने पर ही नेहरू को पीएम बनाया गया था। कार्टून मराठी भाषा में है, जिसमें गांधी मोदी से कह रहे हैं, अरे बेटा नरेंद्र, मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ। पहली बात, जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस ने नहीं, मैंने पीएम बनाया था, तुम्हें इस पर कुछ कहना है। दूसरी बात, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे तो भी वह कांग्रेस के ही नेता थे। तुम हेडगेवार और गोलवलकर की मूर्ति न बनाकर पटेल की मूर्ति क्यों बनवा रहे हो? तुम तो एक संघ प्रचारक हो ना। वहीं इस कार्टून में पीएम मोदी के पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी दिख रहे हैं, जो छिपते नजर आ रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।